आज के मौजूदा समय में अधिकतर लोग आयरन की कमी के शिकार है। भाग दौड़ वाली जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और फास्ट फूड की वजह से लोगों को संपूर्ण मात्रा में आयरन नहीं मिल पाता है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए लोग भोजन अधिकतर लोहे से बने बर्तनों में बनाते हैं ताकि आयरन की कमी को पूरा कर सकें। सभी विटामिन के साथ साथ हमारे शरीर को आयरन की भी जरूरत होती है। लोहे के बर्तन में बना खाना खाने से हमारे शरीर को कई सारे फायदे मिलते हैं। आयरन की कमी के शिकार अधिकतर महिलाएं ही होती है। एक वयस्क महिला को रोजाना 18 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। रोजाना 3 से 4 महीने लोहे के बर्तन में पका खाना बच्चों को खिलाने से उनके हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार होता है। ये तो सभी जानते हैं कि लोहे के बर्तन में पका खाना खाने से कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहे के बर्तन में खाना पकाते समय कुछ चीजों की सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, वरना फायदे की जगह आपको लोहे के बर्तन में पका खाना खाना नुकसानदायक हो सकता है। तो आइए जानते हैं लोहे के बर्तन में खाना पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोहे के बर्तन में भूलकर भी खट्टी या एसिड से जुड़ी चीजें नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यंजन लोहे के बर्तन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे खाने में धातु जैसा अप्रिय स्वाद पैदा होता है। इसलिए सांभर, कढ़ी या फिर टमाटर से बनने वाली ग्रेवी को लोहे की बजाय स्टील के बर्तनों में बनाने की सलाह दी जाती है। लोहे में आयरन और लोह तत्व पाया जाता है, इसलिए लोहे की कढ़ाई में बनी सब्जियों में जल कालापन आ जाता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। दरअसल लोहे की कढ़ाई में कालापन आने की 2 वजह है। एक यह है कि या तो आपने बर्तन को अच्छी तरह साफ नहीं किया है, दूसरा ये है कि आपने लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने के बाद उसे वैसे ही कढ़ाई में छोड़ दिया है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सब्जियों में ये कालापन आपके सेहत के लिए नुकसानदायक है। लोहे के बर्तन में खाना पका के खाना फायदेमंद होता है, मगर रोजाना लोहे के बर्तन में पका कर खाना ठीक नहीं है। हफ्ते में केवल 2 से 3 बार लोहे के बर्तन में खाना पका कर खाना चाहिए। लोहे के बर्तन को धोने के बाद उसे अच्छी तरह कपड़े से पोंछ कर रखना चाहिए। लोहे के बर्तन को अगर आप बहुत दिनों बाद इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इन बर्तनों पर सरसों तेल की एक पतली सी परत लगा दें, ताकि इन लोहे के बर्तनों पर जंग ना लगे। Press the bell icon on the YouTube.